जी, तो कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने M19 जो क्वेश्चन है, पैकेट क्वेश्चन बैंक का, ओल्ड क्वेश्चन बैंक का इंट्रो के, उसका आपने SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की हद तक देख लिया था कि किस तरीके से हम वो प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसका जल्दी से सोल्यूशन आपके सामने जो है वो बना देती हूँ। डिस्कशन जहां पे जरूरत होगी मैं वहीं पे से स्टॉप करूंगी, क्योंकि बिकॉज दिस इज ऑल वेरी बेसिक, ठीक है। तो काफी हद तक मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा सॉल्व। सिर्फ उसका मुझे इक्विटी का पोर्शन आप लोगों को दोबारा बताना है कि जो कैपिटल एंड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का जो पोर्शन होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में, उसको हम किस तरीके से बनाते हैं, प्रेजेंट किस तरह से करते हैं, और मुझे लोन के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करना था, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन खोल देती हूँ यहाँ पे। चले, वेरी गुड सामा, बहुत सी बातें कर लिया। वैसे काफी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो हो जाना चाहिए वैसा, एक्सपेक्ट किया, सिवाय उन लोगों के जो पहली दफा पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप पहले नहीं पढ़ी हुई, एग्जाम थी, व्हाटएवर रीजन, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है तो इसका मैं सिर्फ बैलेंस शीट के फुटिंग बता दूं, जिस तरह टोटल एसेट्स कितने हैं, ताकि टाइम सेव हो जाए। क्या ख्याल है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज में? जी, बाकी हमीदुल्ला, हसनैन, नसीर, शमाइला, दरियाब, क्योंकि इसका मेरे पास सॉफ्ट में, मैं अभी चेक कर रही थी, मेरे पास सॉफ्ट में इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। मुझे ख्याल भी नहीं रहा कि मैं वो सॉफ्ट में मंगा लेती, तो इसलिए जो है, अगर जल्दी से टाइम सेव करने के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके पास जो एसेट्स हैं, या तो लिंक कर ही लेते हैं, मुझे तसल्ली नहीं होगी फिर, ठीक है। M19 क्वेश्चन तो सॉफ्ट में है, सोल्यूशन उसका नहीं था। सोल्यूशन मैं वैसे भी अपलोड नहीं करूंगी, सोल्यूशन मैंने अगर अपलोड कर दिया तो फिर आप लोग ठंड पड़ जाएगी, आप लोगों को खुद से कुछ अटेम्प्ट नहीं करेंगे, उधर से ही देख के करते रहेंगे। सोल्यूशन के लिए आपको क्लास में अटेंड करना और उसको सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, मुझे कोई क्लास के आखिर में रिमाइंड करा दे ये अनाउंसमेंट दोबारा करने के लिए। मंडे को आपकी क्लास होगी, ठीक है, इसी टाइम पे 2 to 3। ट्यूसडे और वेडनेसडे फिर आपका ऑफ है। आप लोगों को ईमेल आई होगी कि आपका मंडे ट्यूसडे ऑफ है, लेकिन हम FAR 1 की क्लास मंडे को भी करेंगे, लेंगे। अब हम जितनी कोशिश हमारी रहेगी कि हम कम से कम छुट्टियां करें, ताकि हमारा टाइमली बेसिस पे सिलेबस जो है वो कवर हो जाए, ठीक है जी। फिर हमारे पास सबसे पहले ये एसेट है, जिसमें आपके पास नॉन करंट एसेट है, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स के मैं सिर्फ टोटल आपको बता रही हूँ, वरना आपको पता है कि आपने किस तरह से करना है। नॉन करंट एसेट्स लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये जो भी आएगा वो प्रॉपरली आपने इस तरह से दिखाना है। ये आपके पास आ रहा है 19 मिलियन। फिर आपके पास आ गया करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर जो आपके पास इन्वेंट्री है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, एडजस्टिंग अदर इंफॉर्मेशन में वो एज इट इज आपने लिखना है। ट्रेड रिसीवेबल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, इन केस किसी को ये समझ में ना आया हो या याद ना हो कि कंट्रोल अकाउंट्स में किस तरह से करते थे, ठीक है जी। अच्छा, आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो ये लिखा हुआ है 30,000, ये बेसिकली क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इज अनदर नेम फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स या रिसीवेबल्स, राइट। तो ये 30,000 यानी कि 30 मिलियन की अमाउंट आपको यहाँ नजर आ रही है। जब आप अदर इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि कुछ एरर्स भी थे, है ना। अब ये क्या कह रहा है, सबसे पहला आइटम क्या कह रहा है, सेल्स रिटर्न डे बुक हैज बीन ओवरकास्टेड बाय 1 लाख, यानी कि रिटर्न इतनी ज्यादा थी नहीं, कस्टमर्स ने उतना जो हमारे रिसीवेबल्स थे जितना उन्होंने रिटर्न किया, हमने एक्चुअली फिगर कितनी ले ली, उससे 1 लाख ज्यादा।
तो रिटर्न्स का इफेक्ट क्या होता है कि वो आपका रिसीवेबल बैलेंस कम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1 लाख से ज्यादा कम कर दिया था अपना रिसीवेबल बैलेंस, तो अब हमने क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है 1 लाख से। तो हम क्या करेंगे, 30,000 हमारा एरर वाली फिगर है जिसमें हमने 1 लाख रुपए अभी ऐड करने हैं क्योंकि हमने गलती से वो ज्यादा डिडक्ट कर दिए थे। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अ कॉन्ट्रा एंट्री विद द क्रेडिटर्स लेजर फॉर ₹2 लाख हैज बिन ओमिटेड फ्रॉम द कंट्रोल अकाउंट। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, ये सेटिंग ऑफ होता है। ठीक है, और इसका इफेक्ट भी क्या होता है कि ये रिसीवेबल बैलेंस को और पेएबल बैलेंस दोनों को क्या करता है, कम करता है। तो ये एक ऐसा आइटम है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ये इंट्रो का सवाल है इसलिए इसमें कंट्रोल अकाउंट आ गया है। वैसे एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों का इस तरह से कंट्रोल अकाउंट इस तरह से टेस्ट नहीं होगा FAR 1 में। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमीदुल्ला, हसनैन, नसीर, उसामा, शुमाइला, दरियाब, पक्की बात है? ठीक है, किसी को इश्यू है तो बता दे। हसनैन, आपको है प्रॉब्लम? नहीं है, चले ठीक है, सही है। तो कॉन्ट्रा एंट्री ओमिट हो गया, यानी कि हमने अपने रिसीवेबल बैलेंस को 200,000 से कम करना है, कॉन्ट्रा करना है। और तीसरा आपका काफी नॉर्मल सी ये तो ट्रांजैक्शन है कि आपकी एक सेल इनवॉइस थी 2 मिलियन की जिसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, ओरिजिनली कितने पे, सॉरी 2 मिलियन की थी उसको 2 लाख पे रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि सेल्स भी आपकी 1.8 मिलियन से कम रिकॉर्ड हो गई और रिसीवेबल भी 1.8 मिलियन से कम रिकॉर्ड हो गया। तो आपने यहाँ पे 1800 एड कर दे रहा है। ये काम करेंगे तो हमारे पास जो रिसीवेबल्स की फिगर आएगी वो आएगी कितनी, 31,700। ठीक है, ये काम आपका हो गया। फिर आपके पास क्या है, प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, ये रहा प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपका करंट एसेट होता है 1 मिलियन का। ठीक है, इसको मैं जल्दी से वो कर देती हूँ, किया हुआ होगा सबने, देखा हुआ है क्वेश्चन। ये काम जब हमने कर लिया तो हमारे पास 52,700 का आ गए सारे करंट एसेट, और जब हम इनका टोटल करते हैं तो 71,700 आपके आ गए टोटल एसेट। ये आपकी कहलाती है बैलेंस शीट की फुटिंग, राइट? अच्छा, अब जो डिफरेंस है, बस मैं सिर्फ इक्विटी वाला पोर्शन बनाऊंगी, बाकी लाइबिलिटीज वाले में सिर्फ एक लोन का बताऊंगी, बाकी आप कंप्लीट कर लेंगे। अब जो डिफरेंस आता है सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप के बीच में, वो आता है बेसिकली लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज ठीक है, वो इस पोर्शन में आता है। अब सोल ट्रेडर में क्या क्या होता है कि एक ही ओनर होता है, एक ही कैपिटल अकाउंट होता है, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ओनर्स हैं, मल्टीपल आपके पास कैपिटल अकाउंट्स हैं और करंट अकाउंट्स भी मल्टीपल है। तो आपने आई होप साथ ही क्या किया होगा, कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स की इस तरह से आपने वर्किंग कर ली होगी। ठीक है, चाहे तो टी अकाउंट बनाए क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड एज सच नहीं है ये। हाँ, करंट अकाउंट नहीं मांगा हुआ तो आप चाहे तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में इसको वर्किंग के तौर पे भी कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट में तो ज्यादा फर्क नहीं है एप्पल और पेयर का, सिर्फ पेयर ने क्या किया था, एडिशनल जो होटल बिल्स पे कर दिए थे वो हमने यहाँ पे सिर्फ ऐड कर देने हैं। तो हम जस्ट फॉर क्लैरिटी मैं ये अकाउंट बना रही हूँ, चाहे तो ना भी बनाए। ठीक है, तो इसमें सिंपल एक ही एडजस्टमेंट है, 9,000 और 10,000 हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा ये। और साथ ही हम क्या करेंगे, पेयर ने अदर इंफॉर्मेशन में ये जो बात बोली हुई है कि पेयर ने बिजनेस की एक एक्सपेंस की पेमेंट कर दी थी अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, यानी कि उसने एडिशनल ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टेड। ठीक है, इसको हम क्लोज करेंगे और बैलेंस कैरेट डाउन एक निकाल लेंगे, 9,000 और 10,500। अब ये रिपोर्ट होगा आपके SOSP में। साथ ही हमने क्या बना देना है, करंट अकाउंट।
और करंट अकाउंट को जब हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में हमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। करंट अकाउंट बैलेंस ऑन 1 जनवरी एप्पल का है 1 मिलियन और पेयर का है 2 मिलियन। और इस बात का आपने ख्याल रखना है करंट अकाउंट के केस में आपने ये जरूर देखना है कि कौन से कॉलम में है, डेबिट कॉलम में या क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, सीधा सीधा उसको क्रेडिट कॉलम में, क्रेडिट बैलेंस नहीं उसको अज्यूम करना। ठीक है, कैपिटल के अंदर तो आप सेफली कह सकते हैं कि वो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, लेकिन करंट अकाउंट में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इत्तेफाक से ये दोनों क्या है, क्रेडिट बैलेंसेस हैं 1000 2000। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 2000 थे जो हमने कल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उससे हमने आइटम्स यहाँ पे डालने हैं। आपके पास पार्टनर की सैलरी है एप्पल की 500,000, ये क्रेडिट साइड पे आएगा। फिर आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस पे 900 और 1000, ये सारी रुपीज एंड थाउजेंड्स हैं, आई एम रिपीटिंग। और आखिरी चीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन यहां नहीं आएगा। ठीक है, ये काम हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने बैलेंस कैरेट डाउन निकालना है जो बेसिकली आपकी बैलेंसिंग फिगर्स होंगी। ठीक है, तो जब आप ये काम करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, अच्छा ड्रॉइंग्स भी तो हैं। ठीक है, ड्रॉइंग्स भी हैं, ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, यहाँ पे आपको ड्रॉइंग्स भी नजर आ रही हैं। एप्पल की है 6500 और पीयर की है 5500। अब यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन हुआ हुआ कि ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हैं या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन हम क्या कहेंगे, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। और हमने उसको कहाँ लेके जाना है, अपने करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो अब करंट अकाउंट के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ड्रॉइंग्स दिखा देनी है और फिर हम अल्टीमेटली अपना 6500 और 5500। ठीक है, और फिर हम अपना बैलेंस बताए क्या क्या आ रहा है, बैलेंस कैरेट डाउन क्या आ रहे हैं, एप्पल का कितना आ रहा है जी, बनाया है ना, एप्पल का क्या आ रहा है बैलेंस कैरेट डाउन देखो। हाँ उसामा, इसके बगैर कर सकते हैं कैलकुलेशंस, मैं भी आपको यही तो बता रही हूँ, क्योंकि टी अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायरमेंट में नहीं है टी अकाउंट, तो यू कैन फॉरगो दिस। आप एक लाइन के अंदर वर्किंग भी कर सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। मैं तो वैसे ही टी अकाउंट बना रही हूँ ताकि आप लोगों का यहाँ पे एप्पल 450 डेबिट बैलेंस, यानी कि उसका बैलेंस कैरेट डाउन आएगा क्रेडिट साइड पे। पेयर का है 1250, वेरी गुड। वन टू फाइव जीरो है, कौन सा है, सही है फिगर वाली 2000। ये वाली फिगर ठीक है 1250। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये वाला ठीक है 450, ये वाला गलत है, चेक कर लें एक दफा फिर। अच्छा 350, ठीक है 350। चलो सामा आप चेक कर लेना, ठीक है 1 2। अच्छा मैं खुद ही कर लेती हूँ, एक मिनट पीछे से देख के, सोल्यूशन देख के ना बताएं, मुझे सही से कैलकुलेट करके बताएं क्या आ रहा है। 1000 प्लस 500 प्लस 900 प्लस 3750, 350। ठीक है 450 नहीं है, 350 है।
अच्छा हाँ, एप्पल की ड्रॉइंग्स भी तो हैं, वेरी गुड, ठीक है, सही कह रहे हैं। हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, वी मिस्ड आउट ऑन इन्फॉर्मेशन, एप्पल हैज टेकन गुड्स आउट ऑफ द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज कॉस्टिंग ₹1 लाख, ठीक है। तो हमने परचेजेस को क्रेडिट कर दिया था, वेरी गुड। हमने क्या करना है, करंट अकाउंट का भी डेबिट करना है, ठीक है ठीक है। बट दैट 5,500 नहीं है, 5,600 जी, पॉइंट सबको क्लियर है। ये जो ड्रॉइंग्स हैं उसके अंदर एक ड्रॉइंग थी जो कि मिस आउट हो गया, ठीक है, 5,600 है ये, 5,500 ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। और अदर इंफॉर्मेशन में वो क्या कह रहा है कि एप्पल हैज टेकन गुड्स आउट ऑफ द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, जिसकी कोई भी एंट्री नहीं की गई। तो हमने परचेजेस को कर दिया था क्रेडिट और हमें डेबिट, अब हम ड्रॉइंग्स को तो कर नहीं सकते, डेबिट को हम क्या, Muted. Unmuted. जी आवाज आ रही है सबको, ठीक है, ये बात क्लियर है सबको कि हमने एक ड्राइंग को ओमिट कर दिया था जो एप्पल ने, ठीक है। तो ये बात पॉइंट क्लियर हो गया कि आपकी जो ड्राइंग्स हैं एप्पल की वो 5,500 नहीं है, वो कितनी है, 5,600, इन अदर वर्ड 5.6 मिलियन, ठीक है, 5.5 मिलियन है, जिसमें हमने 1 लाख को अभी ऐड करना है, राइट, क्लियर है बात। हमीदुल्ला, हसनैन, नसीर, सरमद, शुमाइला, जरियाब, ठीक है। तो इस वजह से अब जाके हमारा जो डेबिट क्लियर नहीं है। देखें क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस जब हम देखते हैं तो ड्राइंग्स में एप्पल की ड्राइंग आ रही है कितनी, 6,500। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, ये 5,500 ही होगा और ये हमारा 6,600, ठीक है। अब ठीक है ना, एप्पल ने किया ना ड्राइंग। अच्छा यहां देखें, हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स आ रही हैं वो आ रही हैं 6.5 मिलियन, 6,500 रुपीज इन थाउजेंड लें तो, और पेयर की आ रही है 5,500। फिर जब हम अदर इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो इस पॉइंट के अंदर पहला स्टेटमेंट तो वो कह रहा है कि पेयर ने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वजह से जो जिसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो फिर हमने क्या क्या कर दिया था, कैपिटल अकाउंट में उसको शो कर दिया था, राइट। दूसरा वो क्या कह रहा है कि एप्पल हैज टेकन गुड्स आउट ऑफ द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज कॉस्टिंग ₹1 लाख, यानी कि जो एप्पल है उन्होंने ड्राइंग की थी 1 लाख की, जिसकी कोई एंट्री नहीं बनाई गई, नहीं पास की गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस में जो एप्पल की ड्राइंग्स आ रही है 6.5 मिलियन, उसमें 1 मिलियन की ड्राइंग शामिल नहीं है। इतना क्लियर है बात, तो इसका मतलब ये हुआ जी, हसनैन क्लियर है, हमीदुल्ला सॉरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एप्पल की जो एक्चुअल ड्राइंग है वो कितनी है, 6.6 मिलियन, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या किया यहाँ पे, उसको 6.6 मिलियन रुपीज इन थाउजेंड है, तो 6,600 हम उसको यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है हमीदुल्ला। तो जब हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर है वो आएगी 450, या 450 आ रही है। ये हमारा कैपिटल और करंट अकाउंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं वापस से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। ये बात मैंने पहले भी रिपीट की थी कि जो कैपिटल और करंट अकाउंट हैं ये दोनों क्या कहलाते हैं, आपके इक्विटी अकाउंट। कैसे शो करते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के अंदर आपने एप्पल पेयर, ठीक है, एप्पल का कितना था, 9,000 और 10,500, दोनों का अलग अलग शो करना है, दोनों का आप कंबाइन नहीं कर सकते कि एक ही आप लिख दो फिगर, ठीक है। साथ ही आपने क्या करना है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस को भी इसी तरह से शो कर देना है। एप्पल हो गया, पेयर हो गया, एप्पल का डेबिट बैलेंस है उसको आप दिखा दें माइनस में, और पेयर आपका क्रेडिट बैलेंस है 1,250, इसको आप किसी तरह से दिखा दें, ठीक
ठीक है, कितना आ रहा है? 800 टोटल इक्विटी अब आपकी बन गई 19,500 प्लस 800, ठीक है, यानी फिर आपकी बारी आती है किसकी, लायबिलिटीज की। अब ये जरा नोट करें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमने क्या किया था, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को कैसा ट्रीट किया था, हमने कहा था कि हम इस बात को भूल जाएंगे कि ये जो लोन है ये हमें पार्टनर ने दिया है, हमने उसको बिल्कुल कैसा ट्रीट करना है, वैसे ही ट्रीट करना है एज इफ दिस लोन वाज फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। ये जो हेडिंग है लाइबिलिटीज की, दिस रिप्रेजेंट व्हाट, लाइबिलिटीज टुवर्ड थर्ड पार्टी, राइट। इसी तरह ये जो हेडिंग है ये भी क्या, ये भी लाइबिलिटी तो होती है, लेकिन ये क्या है, लाइबिलिटी टुवर्ड दी ओनर्स, राइट। ये बात क्लियर है? तो अब क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को, इस बात को इग्नोर कर दिया था कि वो पार्टनर से है, हमने उसको ट्रीट किया था एज इफ इट वर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, हमने उसकी प्रेजेंटेशन भी वहीं पे करनी है जहां पे हम लोग थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज का हेडिंग देना है, और क्या करना है, 10% लोन अकाउंट फ्रॉम एप्पल एंड फ्रॉम पियर। क्या कर दिया हमने, हमने ये कहा कि जो हमारा लोन था इन दोनों पार्टनर से 5 मिलियन और 6 मिलियन का, वो हमने नॉन करंट लाइबिलिटीज में शो कर दिया, ठीक है। यानी कि हमने इस बात को अगेन भूल गया, हमने कहा इसको लाइबिलिटीज में शो करो, ये हमारी इक्विटी के आइटम्स नहीं है। क्लियर होगी बात, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर बाकी सारा आपका वैसा ही है, करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपके पास परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है, लेकिन उसके अंदर आपने एक कॉन्ट्रा की एंट्री पास करनी है। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट ये ट्रेड पेबल्स को रिप्रेजेंट करता है 25,000, जिसमें अभी आपने ये कॉन्ट्रा की एंट्री पास करनी है, तो 25,000 में से आप 200 लेस कर देंगे। ट्रेड पेबल्स ये आपने किया 25,000 -200, ठीक है, ये आपने कर दिया। फिर आपके पास ट्रायल बैलेंस में ही बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, और एक और चीज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कितना आ रहा है, 24,800 और 14,500 बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब सवाल के अंदर क्या मेंशन हुआ है, नो इंटरेस्ट ऑफ एनी काइंड हैज येट बीन पेड और रिकॉर्डेड, यानी के जो पार्टनर्स का लोन अकाउंट है उसके ऊपर जो 10% इंटरेस्ट बनता है वो अभी तक तो पार्टनर्स को पे नहीं किया गया, पार्टनर्स को जो पार्टी है उसको पे नहीं किया हुआ, यानी कि वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका अक्रूड इंटरेस्ट बन जाएगा। ऑन व्हाट, ऑन लोन, कितना था, 1100, ठीक है। तो हमने देखे लोन का अमाउंट इटसेल्फ और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पेबल है और इंटरेस्ट एक्सपेंस है, हमने उसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड किया है, उसको हमने पार्टनर्स की जो स्पेशल ट्रीटमेंट होती है उसको हमने वो नहीं दी। इज दैट क्लियर, यही इस चीज का मेन पॉइंट है। काफी अच्छा ये सवाल है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें हमने सारी चीजें जो हैं वो कवर कर ली हैं। दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ सकते हैं। जी, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें, आगे चले। हाँ जी, अभी तक आप लोगों की मेरे से आदत बनी नहीं है मुझे फौरन से रिस्पॉन्ड करने की। जी, अक्रूड इंटरेस्ट दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, देखें सवाल के अंदर क्या मेंशन है, सवाल के अंदर आखिरी पॉइंट आपको क्या कह रहा है, नो इंटरेस्ट ऑफ एनी काइंड हैज येट बीन पेड और रिकॉर्डेड। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है कि अभी तक इसकी कोई डबल एंट्री पास नहीं की हुई, जब मतलब इस हद तक ट्रायल बैलेंस के हद तक, तो हम जब ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं तो देखिए इसमें आपको कहीं पे भी इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा है ना, डेबिट साइड पे आपको कहीं पे भी इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा, ये आपको एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नजर आ रहा है,
लेकिन इन्होंने सवाल में ये मेंशन कर दिया हुआ है कि रिकॉर्डिंग भी अभी तक नहीं हुई भी, इसका मतलब है हम ये सेफली कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये 1100 की फिगर शामिल नहीं है। तो हमने क्या किया था, एसओसीआई बनाते हुए कल हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस को फिर अलग से 1100 शो किया था नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हुए, राइट। अब वो ये कह रहा है कि चलो वो तो एक्सपेंस साइड हो गया, यानी कि डेबिट हो गया आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्रेडिट क्या होगा, क्या पेमेंट हो चुकी है इंटरेस्ट की, क्या हमें बैंक ओवरड्राफ्ट को फर्दर इंक्रीज करना है, क्रेडिट क्या करना है, बैंक करना है या नहीं करना। तो वो कह रहा है कि पेमेंट भी कोई नहीं हुई भी उसकी, तो आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे अच्छा मतलब है कि अब हमें अक्रूड इंटरेस्ट लाइबिलिटी खड़ी करनी है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, फिर हमने करंट लाइबिलिटी के अंदर अक्रूड इंटरेस्ट नाम की एक चीज ली और पूरा का पूरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसको हमने वहां पे शो कर दिया लाइबिलिटी के अंदर। अगर वो कहता कि इंटरेस्ट एक्सपेंस हैज बिन पेड बट नॉट येट रिकॉर्डेड, तो इसका मतलब ये कि हमें फिर फर्दर क्या करना होता, क्रेडिट करना होता बैंक को, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका फर्दर इंक्रीज हो जाता, क्रेडिट हो जाता 14,500 में, हमें फर्दर 1100 हम ऐड करके वहां पे लिखते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई जी, क्लियर है अपना, है ना, ठीक है, सही है। अब आगे चलते हैं फिर, ये हमारा बेसिक जो पार्टनरशिप है वो काफी हद तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक चीज जो है वो मुझे आपको बतानी है। अब हम थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं अपने एडवांस उस पर, ठीक है। एक चीज है वर्थ मेंशनिंग, ठीक है, वो हम अभी कर लेते हैं। आपको मैंने कहा था कि आप हैंडआउट नंबर 2 डाउनलोड कर लें LMS पे से, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया हो, नहीं किया हुआ तो ये सामने खुला हुआ है, ये हैंडआउट नंबर 2 है स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, हैंडआउट 1 में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है हैंडआउट 1 का, वो अब आपका होमवर्क है, ये वाला सवाल, ठीक है। क्योंकि अब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन कर लिया हुआ है तो इसलिए अब ये सवाल आप कर सकते हैं। आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने हैं। मैं इसका सलूशन जो है वो आज अपलोड कर दूंगी LMS पे, तो आप लोग वहां से देख लेना, अगर तो इश्यू होता है किसी को तो आप डिस्कस करेंगे, वरना इट्स वेरी बहुत बेसिक मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ, ठीक है, अंडरस्टूड। हैंड आउट नंबर 1 में से क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क। M19 तो हो गया ना, M19 तो खत्म हो गया, we've done M19, M19 तो ये रहा, हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लिया, SOSP भी बना लिया, SOCI भी बना लिया, M19 is complete, ठीक है। और अब आपका यही है जो मैंने अलग से आपको क्वेश्चन कल दिया था, एक शीट दी थी, अपलोड हुई भी है पार्टनरशिप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से, वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। मैंने आपको 1 होमवर्क में दिया था, अब 2 भी आपका होमवर्क में आ गया, 3 पे आ जाए जल्दी से, ठीक है जी, क्लियर है यहां तक, कोई इश्यू तो नहीं है, किसी को बता दें ताकि हम आगे फिर ना जाएं। पार्टनरशिप स्ट्रक्चर का चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर का मैं चाह रही हूँ कि गुडविल का हम लोग जल्दी से ओवरव्यू भी ले लें आज की क्लास में, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है आपको, एबीसी ब्रदर्स हैज 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, यानी कि पहले 6 महीनों में पार्टनर ए और पार्टनर बी को कितनी सैलरी मिलती थी, एनुअल 3 लाख रुपीज, ठीक है। रेजिडुअल प्रॉफिट्स और लॉसेस आर शेयर्ड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो 3:5:2, ठीक है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर फ्रॉम 1st July to 31st December पार्टनर ए'ज सैलरी वॉज इंक्रीज 2 rupees 4 lakh पर एनम, ठीक है, ये पर एनम है 4 lakh पर ईयर। एंड द पार्टनर्स ऑल्टर्ड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:3:1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा, कोई पार्टनर मतलब रिटायर नहीं कर रहा, राइट, ये चेंज इन द स्ट्रक्चर नहीं है, ये चेंज इन द पार्टनरशिप की टर्म्स हैं। क्या क्या चेंज हो गया, पार्टनर्स की सैलरी का टर्म चेंज हो गया और TSR चेंज हो गया। सैलरी ऑफ पार्टनर बी वॉज अनचेंज्ड एट ₹3 lakh पर ईयर। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, पूरे साल का प्रॉफिट वॉज 1.5 million और आगे लिखा हुआ है अराइजिंग इवनली थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, यानी कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट था।
opening current account balances were A rupees 1,50,000, B rupees 2,20,000, and C rupees 2,50,000. There is no interest on capital or drawings. यानी कि अगर हमें capital की amount नहीं भी पता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? Requirement में क्या आ रहा है? Calculate share of profit of each partner. Share of profit आपने बताना है and prepare partner's current account. ठीक है? तो अब ये सवाल कैसा है? इस सवाल के अंदर आपने पूरे साल को दो हिस्सों में divide कर देना है. अब जरूरी नहीं है कि वो दो इक्वल हिस्से होंगे, छह छह महीनों के आपने पीरियड बनाने, वो डिपेंड करता है सवाल के अंदर. हो सकता है जनवरी टू दिसंबर हमारा अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, तो हो सकता है ये जो चेंज इन टर्म्स हुए हैं ये हो सकता है मार्च में हुए हो. तो हमारे पास दो पीरियड पर किस तरह के बनेंगे, एक होगा जनवरी टू फॉर एग्जाम्पल फरवरी और दूसरा स्टार्ट होगा मार्च से लेके दिसंबर. ठीक है, बात क्लियर है? वो फिर आपका क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो चेंज इन टर्म्स कौन से डेट से वो इफेक्टिव है. यहां पे क्या कह रहा है कि आपके पास साल के दो हिस्से बन गए, फर्स्ट जनवरी से 30 जून. सवाल पे दोबारा आते हैं, यहां पे क्या कह रहा है, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर, उसमें फिर टर्म्स आपकी थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी. यानी कि 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर ये आपका सेकेंड हाफ हो गया. इज दैट क्लियर? होगी बात? अब आपने करना क्या है, आपने इन दोनों पीरियड का अलग अलग प्रॉफिट निकालना है. क्यों? क्योंकि हर रेजिडुअल प्रॉफिट निकालना है क्योंकि हर पीरियड का अलग ही टर्म्स है, अलग ही सैलरी, अलग ही पीएसआर है. चले कोई बात नहीं. अब इन्होंने आपको क्या दिया, पूरे साल का प्रॉफिट दे दिया 1.5 मिलियन, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो 6-6 महीने के चाहिए थे. आगे इन्होंने ये कह दिया अराइजिंग इवनली थ्रू आउट द ईयर. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने सेम अमाउंट का प्रॉफिट कमाया जा रहा था. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, हम ये सेफली कह सकते हैं कि 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 6 महीने है ना, ये 6 मंथ्स है. तो हमने क्या किया, पूरे प्रॉफिट को मंथ के बेसिस पे डिवाइड कर दिया. कितना आ रहा है, 750, 750, राइट? ये अब आपका हो गया अप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट. आपको नेट प्रॉफिट चाहिए, आपको इन 6-6 महीने के अलग अलग नेट प्रॉफिट चाहिए थे, तो आपको मिल गए ये. ठीक है, अब आप चाहें तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा फॉर्मेट बना लें, रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे आपसे शेयर और प्रॉफिट मांग रहे हैं, तो हम ऐसी वर्किंग कर लेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो. ठीक है, हम ये कहेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये तो लिखना है. इसका 7,50,000 और इसका भी 7,50,000. अच्छा, ये तो हमारा हो गया. अब आगे जाके आपको भी पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस ये किस्म का अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही तो अब हम बना रहे हैं. हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें पार्टनर्स की सैलरी चाहिए होंगी. ठीक है, तो पहले हम पहले हाफ की बात करते हैं. यहां तक फर्स्ट टू लाइन के हम जो है वो टर्म्स देख रहे हैं. पहले एक हाफ को हम लोग देखते हैं. पार्टनर की सैलरी कितनी हो रही है, पार्टनर ए को मिल रहा है कितना, एनुअल सैलरी ऑफ 3 लाख. ये एनुअल सैलरी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, उन 6 महीनों की सैलरी निकालने के लिए हमें इंटू 6/12 करने की जरूरत पड़ेगी, राइट? हम क्या करेंगे, यहां पे हमने क्या करना है, लेस पार्टनर्स सैलरी. और हमने क्या किया, मिस्टर ए, मिस्टर ए अगर ये पूरा साल टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज ना होते हैं तो वो पूरे 12 महीने में 3 लाख रुपए की सैलरी कमाता. लेकिन अब किसकी बात कर रहे हैं, हम तो 6 मंथ की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें 6/12 करना पड़ेगा. ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, फिर बारी आती है बी की. बी के भी टर्म सेम है, वही 3 लाख रुपए एनुअल सैलरी उनको भी मिल रही है, यानी कि इन 6 महीनों के लिए इनकी सैलरी भी बन जाएगी 1.5 लाख रुपए.
फिर हम आगे आते हैं, और कोई अप्रोप्रिएशन है आपके पास? नहीं, आपके पास कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग्स नहीं है, तो यहाँ पे आके हमारा सारा काम हो गया खत्म। हमने क्या किया, रेजिडुअल प्रॉफिट ऑफ निकाला, करें जरा कैलकुलेट, 7,50,000 में से 3 लाख माइनस कर दे 150, 150, ये आपके पास आ गया रेजिडुअल प्रॉफिट फर्स्ट 6 मंथ का। ठीक है, अब क्या करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए बी और सी, पहले 6 मंथ में रेशियो क्या है, 3:5:2, 3:5:2, यानी कि 3/10 करें इसको, 450 मल्टीप्लाइड बाय 3/10 करें जरा जल्दी से, मुझे जल्दी से आंसर बताते रहें। ये बात क्लियर है ना, देखें टोटल इन तीनों नंबर्स का टोटल कितना है, 10। तो आपने रेशियो के लिए क्या करना है, 3/10, 5/10 और 2/10। ए का है 1,35,000, 225,000, सिर्फ सामा ही मुझे जवाब दे रहे हैं, क्यों, बाकी भी सॉल्व करें, 90,000 चले कर रहे हैं बाकी भी। ठीक है, तो ये 4,50,000 अब आपके पास मैच कर गया। अब हम आते हैं सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ के बारे में नेट प्रॉफिट तो हमने देख लिया, ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। आगे जब आते हैं हम अपनी पार्टनर्स की सैलरी पे, तो उसमें थोड़ी सी आपके पास रिवीजन हुई है, और क्या रिवीजन हुई है कि अब पार्टनर ए की पर एनम सैलरी कितनी होगी, 4 लाख रुपए। ठीक है, बिगिनिंग फ्रॉम 1 जुलाई। तो हमने क्या करना है, पार्टनर सैलरी के केस में अब मिस्टर ए की कैलकुलेशन कैसे होगी, 4 लाख है पर एनम, और हम कितने महीनों की बात कर रहे हैं, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, यानी के उस केस में इन्होंने टोटल उन 6 महीनों में कितना कमाया होगा, इन लियो ऑफ सैलरी 2 लाख रुपीज। ये बात क्लियर है। और मिस्टर बी की जो सैलरी है वो अनचेंज्ड है, तो मिस्टर बी का जो है वो तो सेम 1,50,000 ही रहेगा। तो जब अब बात करते हैं, तो अब हमारे पास जो इस पीरियड का रेजिडुअल प्रॉफिट है वो होगा 4 लाख। चलें अब शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए अब नया पीएसआर इस्तेमाल करेंगे, ए बी और सी, और नया रेशियो अब आपके पास क्या है, 1:3:1, यानी कि टोटल कितने पार्ट्स, 5 पार्ट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5, 3/5 और 1/5, करें जल्दी से 4 लाख को डिवाइड इस रेशियो पे। सी का भी 80,000 होगा, और 2,40,000। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या होगा, आपने पूरे अपने साल को डिवाइड कर देना पीरियड्स में, अगर इस तरह से कोई चेंज इन टर्म्स आ रहा है कि टर्म्स चेंज होने से पहले की क्या पोजीशन और टर्म्स चेंज होने के बाद की क्या पोजीशन है, तो इस तरह से आपके पास अब क्या हो गया, शेयर और प्रॉफिट अब आपके पास आ गए 2-2। अब अगर कोई आपसे पूछे कि मिस्टर ए ने इस पूरे साल कितना कमाया, तो हम क्या करेंगे, 1,35,000 प्लस 80,000। मिस्टर बी ने पूरे साल कितना कमाया प्रॉफिट, 2,25,000 और 2,40,000, और मिस्टर सी ने कितना कमाया, 90,000 और 80,000। अब हम ऐड करते रहेंगे। इसी तरह अगर कोई बोले कि आपने भी, मिस्टर ए ने टोटल सैलरी कितनी कमाई पूरे साल में, कितना पार्टनर सैलरी कितनी पे की बिजनेस में, या कितना उसने अक्रू किया पार्टनर को, तो हम कहेंगे 1,50,000 प्लस 2 लाख,
अब इधर 3 लाख या 4 लाख एक ही अमाउंट, एक फिगर नहीं है कोई, एक ही, एक डिफरेंट ही फॉर्मेट है, क्यों फॉर्म है, अमाउंट है, क्योंकि बीच में सैलरी की टर्म हो गई चेंज। तो ना उसने 3 लाख कमाया पूरा, ना उसने 4 लाख कमाया, उसने कितना कमाया, 3,50,000, राइट। तो इस क्वेश्चन की जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, बन जाएंगे, बना लेंगे ये भी, ठीक है। तो इसका भी मैं सोल्यूशन अपलोड कर दूंगी, आप आराम से इसको करें, बहुत यहां से 2 मिनट भी नहीं लगने, ठीक है। तो इसको फिर आप वहां से चेक कर लीजिएगा, इस पर मैं टाइम और नहीं लगा रही। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, होमवर्क मैं आपको दोबारा बता दूं, जो पहला हैंड आउट था उसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका मैं नाम बता देती हूँ, नाम इसका है अली एंड उमर, ठीक है। लिंग एंड लिंग वाला जो आपका हैंड आउट था उसका, और दूसरा होमवर्क है हैंड आउट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का करंट अकाउंट। ठीक है, चलें, ये नोट कर लिया सबने, ये सोल्यूशन जो है, या करना तो नहीं है किसी को, अभी वर्किंग थी सिंपल, जिस तरह से भी करें, 2 कॉलम्स बना के करें, अलग अलग करें, दैट्स एंटायरली अप टू यू, लेकिन आपका आंसर इसी तरह का आना चाहिए, ठीक है। चले, अगर किसी को कॉपी करना होगा तो मैं क्लास के बाद वापस से वाली शीट ले आऊंगी। अच्छा, अब बात करते हैं हम अपने चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के बारे में। चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल बड़े अरसे से, 5-10 सालों से मिस्टर ए बी सी बड़े आराम से, ये तीनों इन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था, और ये लोग काफी अरसे से बिजनेस करते चले आ रहे थे। एकदम से क्या होता है, मिस्टर सी की हो जाती है डेथ। तो ये लॉ आपको कहता है कि जैसे ही कोई चेंज आए आपके स्ट्रक्चर में, इसको स्ट्रक्चर कहेंगे ना कि ए बी सी ये तीन ओनर्स हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, राइट। जैसे ही आपका स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, आपने क्या करना है, इट वुड बी डीम्ड कि जिस तरह वो जो पुरानी पार्टनरशिप थी ना, जिसका नाम था ए बी एंड सी ब्रदर्स फॉर एग्जाम्पल, तो लीगली स्पीकिंग जैसे ही मिस्टर सी की डेथ होती है, ये जो पुरानी पार्टनरशिप कंसर्न होती है, इसकी अब एग्जिस्टेंस हो जाएगी खत्म। ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप बिजनेस, पुराना खत्म हो जाएगा। अब मिस्टर ए और बी कहेंगे कि भाई सिर्फ सी की डेथ हुई है ना, हम तो अपना बिजनेस चलाते रहे, तो बाय लॉ क्या है उसके लिए, वो कहेंगे कि अब जो ए और बी भले उसी बिजनेस को कंटिन्यू करें, अपेरेंटली कोई एक्टिविटीज में कोई चेंज ना आए, लेकिन अगले दिन से जब मिस्टर ए और बी अपनी वही वाली एक्टिविटीज को, वही वाले बिजनेस को, उसी ऑफिस में जब वो जाएंगे, जब उन्हीं एक्टिविटीज को रिज्यूम करेंगे, तो इट वुड बी डीम्ड एज इफ अब जो बिजनेस है वो क्या है, एक न्यू पार्टनरशिप है। ओल्ड पार्टनरशिप की लीगल हैसियत खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि अब हमने अकाउंटिंग को भी थोड़ा सा हिलाना है, उसमें भी एक हलचल मच जाएगी। जिस तरह की रेगुलर अकाउंटिंग चली आ रही थी, जिस तरह हम अभी तक M19 में करते आ रहे थे, हर साल इसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, करंट अकाउंट बन रहा है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, वो एक रूटीन वाली जो चीज चल रही थी, अब जैसे ही पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में कोई चेंज आएगा, एकदम से अकाउंटिंग में हलचल मच जाएगी। कुछ डिफरेंट हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, हमें अकाउंटिंग मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे, राइट, इज दैट क्लियर। अब आपका जो चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर है, वो किस मतलब किन सिचुएशंस में ये पूरा सिनेरियो आएगा कि पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, और अगर वो बिजनेस कंटिन्यू रहता है तो वह नई पार्टनरशिप कंसिडर किया जाएगा। ये आप नोट कर लें, ये सारे सिनेरियोज हमने पढ़ने हैं।
फॉर एग्जाम्पल एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है, कि आपका ए बी और सी पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे थे, ठीक है, ऑफ अ न्यू पार्टनर, और आगे से आगे मिस्टर डी, अब वो एक नया पार्टनर ये लोग अपने बिजनेस में लाना चाह रहे हैं, तो ये नया पार्टनर आना ये बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट होगा जितना आपका डेथ वाला सिनारियो था, ठीक है, बात क्लियर है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हो गया, ये क्या कहलाएगा, ये भी आपका चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर है, डेथ के किसी पार्टनर की डेथ ना हो लेकिन वो वॉलंटरिली अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस को छोड़ना चाहे तो उसको रिटायरमेंट कहेंगे, ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, पार्टनरशिप स्ट्रक्चर का चेंज है। फिर आपके पास क्या आ जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, इसका क्या मतलब है, डिसोल्यूशन या डिसॉल्व करने का मतलब है खत्म कर देना, डिसॉल्व करना क्या होता है, जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी गायब हो जाती है, राइट, तो डिसोल्यूशन का क्या मतलब है, आपने अपने पार्टनरशिप बिजनेस को खत्म कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल हसनैन उसी तरह से करेंगे, मतलब अकाउंटिंग तो एक ही है ना, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, और एक और चीज है अमलगमेशन और मर्जर, ये क्या है, ये उस टाइम हम लोग देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, अब मर्जर और अमलगमेशन के आगे मैं कुछ और नहीं लिखी क्योंकि उसमें भी तीन चार सिनेरियोस होते हैं, राइट, तो ये अब आपके पास कुछ चीजें हैं चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर की, जो पहली दफा पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप स्ट्रक्चर का चेंज, उनको समझ आ गई कि चेंज इन स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, जी कौन है ऐसे जिन्होंने पहले पार्टनरशिप सही से नहीं पढ़ा था, या बहुत अरसा हो गया भूल गए, जरा मुझे अपने नाम बता दें, कोई है, अच्छा उसामा और शुमाइला नसीर अच्छे खासे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया चेंज इन स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, अच्छा दरियाब भी हैं, चलें ठीक है, सही है, फिर मैं अपना थोड़ा फेस इसी तरह से रखूंगी, ठीक है, बात क्लियर हो गई कि चेंज इन स्ट्रक्चर से मुराद बस जितने पार्टनर्स थे अगर वैसे चलते आ रहे तो ठीक है, एक भी कम हुआ एक भी ज्यादा हुआ, पार्टनरशिप भी आपने खत्म कर दी, बिजनेस भी खत्म कर दिया, या अमलगमेशन या मर्जर का क्या मतलब है, किसी दूसरे बिजनेस से मर्ज कर लेना, मिल जाना उनके साथ, कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो फर्म्स थी, पार्टनरशिप थी, दो बिजनेसेस थे अलग अलग वो चल रहे हैं, एंड दे डिसाइडेड कि अब हम क्या करें, अपने बिजनेस को एक कर दें, यकदा कर दें, राइट, तो उसको कहते हैं अमलगमेशन, उसमें भी चेंज हो गया ना, पहले इस फर्म के अंदर मिस्टर ए और मिस्टर बी थे, इस फर्म के अंदर मिस्टर सी और मिस्टर डी थे, अब उन्होंने क्या किया, एक नई फर्म बना ली, मतलब उसको कंबाइन कर दिया, और अब कितने वो हो गए पार्टनर्स हो गए, ए बी सी डी, राइट, तो चेंज हो गया ना स्ट्रक्चर, देखें, तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अब क्या है ये गुडविल देख लेते हैं उसको, गुडविल होती क्या, आइडिया है किसी को, पुराने बच्चे ना बताएं, जो पहली दफा पढ़ रहे हैं वो बताएं, कुछ आइडिया है गुडविल वैल्यू, गुडविल होती क्या, नो आइडिया, एंड एट टाइम्स नेगेटिव भी हो सकती है, ये क्या मतलब है, रेप्यूटेशन बेसिकली गुडविल कहलाती है, ठीक है, वैसे तो ज्यादातर तो ये पॉजिटिव ही होती है, अच्छी चीज अच्छी उसमें होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपको बोलूं कि जी मैं आपके सामने दो प्रोडक्ट रखूं, ठीक है, ठीक है, शैम्पू की बॉटल्स है फॉर एग्जाम्पल, जिसके ऊपर से मैंने लेबल हटा दिया, ठीक है, मैंने लेबल हटा दिया, दो शैम्पू की बॉटल्स आर डिफरेंट डिफरेंट, अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये वाली बॉटल जो है वो है यूनिलीवर की, तो आप ठीक है ये यूनिलीवर की हो गई, और दूसरी बॉटल मैं फॉर एग्जांपल किसी लोकल अननोन कंपनी का नाम ले लूं कि ये शैम्पू की बॉटल जो है ये इसने मैन्युफैक्चर किया, और मैं आपको बोलूं इन दोनों में से अब आपको एक उठा के ले जाना, उसको आपने यूज करना है, आप किसकी बॉटल को पिक करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली यूनिलीवर की, क्यों,
यूनिलीवर का संसल का पिक करेंगे, राइट? रीजन उसका क्या है? क्योंकि यूनिलीवर की एक गुड रेप्यूटेशन है, ये क्या लाती है? गुडविल होना. अब मुझे जरा एक बात बताएं, ये जो गुडविल है इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? ये क्या है? दिस इज ऑल इन आवर माइंड, है ना? ये हवा में चीज है कि दिस इज ऑल इन आवर माइंड, हमारे परसेप्शन में है. तो दिस इज व्हाट, दिस इज एन इनटेंजिबल एसेट. टेंजिबल इनटेंजिबल याद आ रहा है? टेंजिबल एसेट कौन सा होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूनिलीवर हूं, मेरा बिजनेस है यूनिलीवर, राइट? तो मेरे मेरे लिए क्या है? ये एक असासा है मेरे लिए, कि पॉजिटिव चीज है मेरे लिए, कि रिसोर्स है कि मार्केट में मेरे बिजनेस की इतनी अच्छी रेपुटेशन है कि लोग मेरे प्रोडक्ट को हाथों हाथ लेते हैं. और इसमें कभी कभार क्या होता है, कंपनीज इसको नेगेटिवली यूज करती हैं इस गुडविल को. अब मुझे पता है कि मैं अगर यूनिलीवर हूं, अब मुझे पता है कि एक चीज बनाने के लिए मुझे 10 रुपए की खर्चा आया है, और मैं अगर उसको इवन 1000 रुपए में बेचूंगी तो मुझे है, मुझे टेंशन नहीं है कि भाई मेरी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि लोग बेवकूफ बन जाएंगे, राइट? अब वो तो मैं उसको अनएथिकली अगर यूज करूं, दैट इज अनदर स्टोरी. लेकिन गुडविल का होना आपकी सेलिंग की एबिलिटी को, प्रॉफिट के कमाने की जो आपकी सलाहियत है, उसको बड़ा अच्छे तरीके से अफेक्ट करता है, राइट? अच्छा इफेक्ट करता है या नेगेटिवली अफेक्ट करता है. तो बात यह कि आपका एक चीज तो हमने देख ली कि गुडविल इज व्हाट, इट्स योर इनटेंजिबल एसेट, एक इनटेंजिबल आइटम है, उसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बस एक परसेप्शन है. अब हम ये देखते हैं कि अभी तक जितना हमने सोल ट्रेडर की अकाउंटिंग की थी, पार्टनरशिप की हमने जो बेसिक अकाउंटिंग की थी, बिल्कुल हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो अभी तक जितनी भी हमने अकाउंटिंग की है उसमें हमने कभी गुडविल का तो जिक्र किया ही नहीं, राइट? तो क्या है, हम क्या गुडविल की अकाउंटिंग करते ही नहीं है, या करते हैं तो किन सिनेरियोस में करते हैं? तो बात बिल्कुल ठीक है, आपके पास ये सिर्फ आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए ये चीज टेस्ट नहीं होगी, ठीक है? आपकी जो गुडविल है वो होती है दो किस्मों की. अभी हम जरा पार्टनरशिप के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है? अभी हम सिंपल बिजनेस के बारे में बात करें. गुडविल किसी भी बिजनेस का हो सकता है, सोल ट्रेडर की भी गुडविल होगी, पार्टनरशिप की भी होगी, और कंपनी की भी होगी, राइट? अब जब हम गुडविल की बात करते हैं तो गुडविल एक होता है इंटरनली जनरेटेड. इंटरनली जनरेटेड का क्या मतलब है? क्रिएटेड ओवर द ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल यूनिलीवर, नेस्ले, कितने सालों से ये ऑपरेशन में है ना? तो इनके जो मैनेजमेंट है, इनके जो ओनर्स हैं, 150 ईयर्स, वाओ. तो जो इनके जो मैनेजमेंट है, जो इनके ओनर्स हैं, उनकी मेहनत की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गुडविल जनरेट हुई, रेपुटेशन जनरेट हुई, जिसकी वजह से अब उनको ये बात पता है कि हमारी सेलिंग एबिलिटी, हमारी प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी अच्छी खासी है, राइट? उसको हम कहते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल. जो आप बस अपने नॉर्मल जब आपका टाइम एज विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपकी रेपुटेशन की वजह से, आपके अच्छे काम की वजह से एक गुड रेपुटेशन जो बन जाती है, उसको कहते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल. और इसकी रिकॉर्डिंग कभी भी नहीं होती, कभी भी इसको हमने देखी है. तो देखें, हमने सोल ट्रेडर देखा, कुछ हमने ऐसे अकाउंट भी देखे जो कि कितने सालों से बिजनेस में थे, उसमें तो हमने कभी गुडविल की कैलकुलेशन नहीं की, कोई नंबर असाइन नहीं किया उस फिजिकल नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस को, राइट? अब एक रेपुटेशन है, रेपुटेशन को आप कैसे वैल्यू करोगे, कैसे नंबर उसको अलॉट करोगे? उसके तरीके होते हैं, मेथड होता है उसका, देखते हैं अभी उसको, लेकिन हमने कभी भी नहीं किया. रीजन क्या? क्योंकि अभी तक जितना भी हमने बिजनेसेस पढ़े हैं उसमें सारी इंटरनली जनरेटेड गुडविल का बेसिकली अंडरलाइंग उसकी अजम्पशन है, ठीक है? तो इसको आप कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, उसको आपने इग्नोर कर देना है. आप कभी भी गुडविल की फिर अकाउंटिंग नहीं करोगे. होगी रेपुटेशन अच्छी, हमेशा होगी किसी ना किसी बिजनेस की, नेगेटिव भी हो सकती है, बुरी भी रेपुटेशन हो सकती है, लेकिन आपने कभी भी उसकी अकाउंटिंग नहीं करनी. फिर बात आती है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस. हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिलीवर के ओनर ये डिसाइड करते हैं कि अब हम अपने बिजनेस को बेच देते हैं, ठीक है? अब वो बिजनेस को बेचते हैं, अब वो हिसाब किताब लगा रहे हैं, अब वो मुख्तलिफ तरीके हैं उनके, अब वो बिजनेस की वर्थ कितनी है उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं उसमें नहीं जा रही. फॉर एग्जाम्पल उनकी नजर में उनके बिजनेस की वर्थ है
रुपीज 100 मिलियन. क्या मतलब हुआ? वो ये कह रहे हैं कि हमें सामने वाला जो हमारा बायर है ना, बिजनेस में बेच रही हूं राइट, जो मैं सामने वाला बंदा है वो मुझे 100 मिलियन रुपीज पे करेगा तो मैं अपने सारे एसेट्स, अपनी सारी मशीनरी, अपने सारे कस्टमर्स की डिटेल, सप्लायर्स की डिटेल, अपने सारे प्रोसेसेस, सिस्टम्स में सारे उसको फिर सेल कर दूंगी. अब फॉर एग्जाम्पल ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने सिर्फ अपने दिल में रखी हुई है. आपको आइडिया होगा जो लोग इस तरह से थोड़ी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं कि चुप करके देखो सामने वाली पार्टी देती कितनी है पैसे राइट. हम लोगों ने अपने दिमाग में एक माइंडसेट बनाया हुआ होता है कि हमने 100 मिलियन रुपीज से कम पैसे एक्सेप्ट नहीं करने. अब हम इंतजार में, फॉर एग्जाम्पल जो बायर है वो आपको ऑफर कर देता है कितना, 250 मिलियन रुपीज ओवर एंड अबव व्हाट यू वांट राइट, ओवर एंड अबव द वर्थ ऑफ योर बिजनेस. तो अब हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये जो एडिशनल 150 मिलियन है दिस इज व्हाट, दिस इज गुडविल ठीक है, इसको आप कहते हो गुडविल. और ये गुडविल कौन से पॉइंट पे अराइज हुई है, जब आपने बिजनेस को बेचने के लिए जाए. अब ये वाला गुडविल है जो कि आप रिकॉर्ड करते हो लेकिन दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस. आप इस चीज को आगे जाके इंशाल्लाह SAR 2 में देखोगे जब आप कंसोलिडेशन वगैरह कर रहे होगे. लेकिन गुडविल का सिर्फ एक मुझे ओवरव्यू देना था. अब गुडविल फिर पार्टनरशिप में कैसे आ जाएगी. एक तीसरा सिनेरियो भी है जिसमें आप गुडविल की अकाउंटिंग बीच में इन्वॉल्व होती है ठीक है. तीसरा एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें, जैसे ही कोई चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आएगा उस टाइम पे गुडविल की अकाउंटिंग करनी होगी. इंटरनली जनरेटेड में कोई गुडविल की रिकॉर्डिंग या अकाउंटिंग नहीं होगी. परचेज के टाइम पे परचेज करते हुए बिजनेस को सेल करते हुए गुडविल की अकाउंटिंग होती है, रिकॉर्डिंग भी होती है. और तीसरा सिनेरियो जब आपका चेंज आएगा पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में तो आपने गुडविल की अकाउंटिंग करनी है. हमने इस चीज को नहीं देखना, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इस वाली चीज का तो कोई इम्पैक्ट है ही नहीं. हम गुडविल को फिर देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर. जी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, या क्लास स्टार्ट हो गई SAR 2 की? है टाइम? अच्छा नहीं, मैं आते नसीर की शायद क्लास होती है SAR 2 की, होने लगी है. अच्छा जो शर्मी चेक के सर आगे है रही है. अच्छा आप लोगों की हिम्मत है ना सुनने की थोड़ी और, मैं गुडविल के मेथड्स चाह रही हूँ कि स्टार्ट कर दें हम लोग एटलीस्ट ठीक है. चले वेरी गुड. तो ये बात हमें समझ में आ गई कि वैसे तो आपने गुडविल की कोई अकाउंटिंग और रिकॉर्डिंग नहीं करनी, लेकिन जैसे ही कोई चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आएगा आपने फिर क्या करना है. थैंक यू सो मच, चले वेरी गुड, थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी ठीक है. आपने क्या करना है, आपने गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, आपने गुडविल की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है ठीक है. अब हम देखते हैं वैल्यूइंग गुडविल. अब ये सवाल दिमाग में आया होगा काफी लोगों के कि जब ये एक इनटेंजिबल सी चीज है, जब ये हमारे परसेप्शन, एक परसेप्शन ही है ना बेसिकली, अच्छी रेपुटेशन होना या बुरी रेपुटेशन होना राइट, पॉजिटिव गुडविल होना या नेगेटिव गुडविल होना, तो हम इसको नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो बिल्कुल ये बात है, हमारे पास से कुछ मेथड हैं जिनके थ्रू हम एक क्लोज टू मतलब अपने दिमाग में हम एक वो कर सकते हैं कि भाई दिस इज द फिगर दैट करेक्टली रिफ्लेक्ट कि भाई बिजनेस की रेपुटेशन कितनी वैल्यू रखती है, कितना मानी रखती है मार्केट के अंदर ठीक है. तो पहला आपके पास जो मेथड है उसको हम कहेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड ठीक है. वैसे तो नॉर्मली पार्टनरशिप के सवाल में आपको गुडविल की फिगर ऑटोमेटिकली दी हुई होती है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन एक सवाल आ चुका होता है जिसमें वो गुडविल की इसने आपसे कैलकुलेशन मांगी हुई है, इसलिए मैं आपको ये मेथड भी करा रही हूँ ठीक है.
तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला पहले आप नोट कर लें, फिर हम सवाल पे आते हैं. गुडविल goodwill is equal to total profit divided by number of years multiplied by number of years purchased. ठीक है, कर लें नोट तो मुझे बता दें, फिर हम सवाल पे आते हैं. ठीक है, सारे ओके कर दें, फिर मैं आगे चलती हूँ. ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो ही जाएगा इसमें कोई. ठीक है चले, ओके मैं चल रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लें. क्वेश्चन नंबर 4 है ये. अच्छा, ये थोड़ी नंबरिंग आउट होगी, 4 के बाद 6 आ गया, 4 के बाद 5 आना चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:2:1. अब क्या हुआ, दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर, हो गया चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया. तो नंबर 1 टिंग टिंग फॉरेंसिक बेल बजनी चाहिए, इसका मतलब है गुडविल की कैलकुलेशन होगी. ठीक है, मैंने साला मैंने पूरा ये जो चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर का जो पूरा एक किसी सिनेरियो के अंदर क्या स्टेप्स होते हैं, मैंने उसको पूरे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो वो आप लोग एक दफा स्टेप्स याद कर लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, वो चीज आपको याद हो जाएगी. हर चीज फिर सिस्टमेटिकली इट विल फॉल इन टू प्लेस. आपको कोई फिर टेंशन की जरूरत नहीं होगी कि अगर हल्का सा क्वेश्चन डिफरेंट आ गया हम क्या करेंगे. हर सिनेरियो में अकाउंटिंग मोर और लेस सेम होती है. ठीक है, तो उसकी आप टेंशन ना लें, रट जाएगी ये चीज इंशाल्लाह आपको. तो फिर आपने क्या करना है जी, सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, हम आगे जो पूरे जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे उसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, गुडविल की कैलकुलेशन. ठीक है, क्या हुआ, फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन ऑफ द गुडविल ऑफ डी, द गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट. अब ये क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, ये क्या बात हुई, लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट. चलो ये तो समझ में आ रहा है, सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा. ये क्या कह रहा है, पिछले 3 सालों के आपने एवरेज प्रॉफिट लेने हैं, ये काम तो आप कर सकते हैं आराम से. तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि करंट ईयर कौन सा है, 2003 है, तो पिछले 3 सालों की इंफॉर्मेशन कौन सी, 2002, 2001 और 2000. तो कैसे करेंगे एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सारे प्रॉफिट को ऐड करें सिर्फ 3 सालों के. अब देखें यहाँ पे एक कंफ्यूज करने के लिए 4 साल दिए हुए हैं, लेकिन आपको सवाल में फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, आपने सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट पिक करने हैं. तो चौथे साल को आपने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, इस बात का ख्याल रखना है. सवाल के अंदर आपको फॉर्मूला गिवन होगा, मेथड आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से किस फॉर्मूले के तहत आपने गुडविल निकालनी है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी. ठीक है, तो आपने क्या करना है, 1,24,000, 1,20,000 और 80,000, जरा ऐड करें जल्दी से. नहीं जरिया अब यहां से ठीक नहीं है, 124,000 ये होगा. ठीक है, ये आपके पास टोटल कितना आ गया, 324,000. इसको अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ इयर्स से. ठीक है, और नंबर ऑफ इयर्स आपके कितने, आपने कितने सालों के प्रॉफिट्स लिए, 3 ओके, तो 3 इज द नंबर ऑफ इयर्स, ये आपके पास हो गया, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज भी आपको सवाल के अंदर गिवन होगा, 2 years परचेज. तो आपने आगे क्या लिख देना है, मल्टीप्लाइड बाय 2. बात क्लियर है, तो गुडविल कितनी आ रही है आपकी, 2,16,000, राइट, हाँ 2 लाख, दिस इज योर गुडविल. बात क्लियर होती है, ठीक
ठीक है, सवाल में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपने सिर्फ उसको पिक किया, आपने पहले एवरेज निकाला, एवरेज प्रॉफिट उन 3 सालों के, और उसको मल्टीप्लाइड बाय कर दिया नंबर ऑफ इयर्स परचेज से. ठीक है, ये तो आपके पास हो गया कौन सा मेथड है, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है. फिर आपके पास आता है एक और, बस एक और डिस्कस करते हैं, कैपिटलाइजेशन वाला कल कर लेंगे. मेथड नंबर 2 है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड. और इसका फॉर्मूला क्या है नोट कर लें. हाँ बिल्कुल, इसका अंक आया हुआ है, आया हुआ. एक और छोटा सा सवाल है, उसमें भी पूरी कैलकुलेशन मांगी हुई है. बिल्कुल, ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पर एनम माइनस नॉर्मल प्रॉफिट पर एनम मल्टीप्लाइड बाय, और ये पहले माइनस करेंगे जो फिगर आएगी, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज. अच्छा, ये जो पार्ट है फॉर्मूले का, इसका जो आंसर है दैट इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट. दिस रिप्रेजेंट सुपर प्रॉफिट, अगर तो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है. ठीक है, वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है. अब जरा सवाल देख लेते हैं, कर लिया नोट. इफ एक्चुअल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन नॉर्मल प्रॉफिट. जी, सवाल पे आते हैं, बस एक ही सवाल करते हैं फिर खत्म करेंगे क्लास. अच्छा, ए बी एंड सी आर, ये क्वेश्चन नंबर 6 है. A, B and C are equal partners, ठीक है, यानी कि 1/3, 1/3, 1/3, तीनों को equal parts मिलते हैं. ठीक है, C decides to retire, C retire करना चाह रहे हैं, change in partnership structure, well बननी चाहिए, goodwill, right? For the purpose of the retirement, goodwill is to be calculated at 4 years purchase of super profit. Normal profit of the firm is rupees 10,000. And the firm earns an average profit of 15,000 per annum. अब ये normal profit और average profit क्या मतलब है इसका? Normal profit का मतलब ये है, इस तरह से इसको समझ लें कि जो firm का business है, जिस industry में firm operate करती है, यानी इसका जो firm of business है, दूसरी जो इसकी तरह के similar businesses हैं partnership के, वो जो on an average जो profit कमाते हैं ना, वो है 10,000 रुपए. यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाह रही हूँ, अपनी दो मेरे और फ्रेंड्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, और हमारा फर्नीचर का बिजनेस मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं मार्केट का सर्वे करूंगी, राइट? और मार्केट का सर्वे करने के बाद मुझे पता लगता है कि इस तरह के जो छोटे लेवल पे जो पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं, जो कि फर्नीचर का कारोबार करते हैं, ऑन एन एवरेज जो नॉर्मल एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो कितना है, 10,000 रुपए पर एनम. ये पर एनम है, ठीक है. अब क्या हुआ, इस इंफॉर्मेशन के साथ हमने अपना बिजनेस शुरू किया और हमें ये पता लगा कि हमने प्रॉफिट एक्चुअली कमाया कितना, हमने प्रॉफिट कमाया 15,000 पर एनम. कि फर्म एक्चुअली कमाती कितनी है, 15,000 पर एनम. तो अभी एक पॉजिटिव चीज हो गई ना, हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ हम सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं. हमें कमाना कितना चाहिए था, 10,000 रुपए, लेकिन हम कमा कितने रहे हैं, 15,000 रुपए. तो 5,000 की जो फिगर है वो हमारी क्या कहलाएगी, सुपर प्रॉफिट. ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. क्वेश्चन में आपको अगर नहीं गिवन होगा नॉर्मल प्रॉफिट, वो हम कल देखेंगे कि फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे आपको सब चीजें गिवन है. 15,000 इज द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पर एनम होना चाहिए, ठीक है.
पर एनम नहीं गिवन तो आपको उसको पर एनम करना होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स करके. माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज 10,000. इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है 4 इयर्स परचेज. ये आप अपनी तरफ से कुछ अज्यूम नहीं कर सकते, सवाल में आपको गिवन होगा. तो कितना आंसर आया? 20,000 रुपीज. दिस इज योर गुड विश. जी बात क्लियर है? ठीक है, तो इसको बस अब इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं. सुपर प्रॉफिट का ही एक और क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको हमने देखना है कि अगर सवाल में नॉर्मल प्रॉफिट ना गिवन हो तो हम फिर किस तरह से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, फिर ये करने के बाद इंशाल्लाह मंडे को आपकी क्लास है 2 से 3 बजे. इनफैक्ट अगर कोई और क्लास आपकी एडिशनल नहीं है तो हो सकता है मैं 3 से थोड़ा आगे ही बढ़ा दूं, ताकि मैं थोड़ी जब तक आप लोगों में हिम्मत रहेगी. आई प्रॉमिस दैट. ठीक है, और इसके अलावा मंडे को बिल्कुल मैंने ये क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैंड आउट 2 के नाम से. ठीक है, और मंडे को आपकी बेसिक पार्टनरशिप अकाउंटिंग का टेस्ट भी है. टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है, मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी LMS पे. ठीक है, LMS पे ही लिंक पे ही टेस्ट पेपर आपको अपलोड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड करेंगे. और मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके पास मंडे का पूरा दिन मौजूद है. जब से वो अपलोड होगा आप चेक कर लीजिएगा, सुबह 11 बजे तक इंशाल्लाह हो जाएगा अपलोड. ठीक है, हो सकता है मैं संडे की रात को ही अपलोड कर दूं. तो यू विल हैव 24 आवर्स टिल द टाइम ऑफ अपलोडिंग टू अटेम्प्ट दैट पेपर. कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप उसको? LMS वो लिंक है बच्चे हमीदुल्ला जो मिस निगत ने आपको भेजी ना, जिधर से आप रिकॉर्डिंग्स और ये सब देख लेते हो, जिधर से आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन वगैरह, उसको LMS कहेंगे. अच्छा मैं क्वेश्चन शो करूं, चलो मैं आपको क्वेश्चन आंसर शो करती हूँ, आप ये देख लो. ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने वहां से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, फिर आपने उसको अपने रफ शीट पे, आपने जो आपके लूज शीट है उनके ऊपर आपने उसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है. और आप फिर क्या करेंगे, अगर आपके पास व्हाट्सएप है आपने उसकी इमेजेस ले लेनी है, क्लियर पिक्चर्स हों, प्रॉपरली नंबर्ड हों पेजेस 1, 2, 3, 4. ठीक है, और आपने क्या करना है, पिक्चर खींच के मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे या आप ईमेल भी कर सकते हैं. और अगर किसी के पास व्हाट्सएप नहीं है, आप एक्सेल पे भी, MS एक्सेल जो है आपके पास कंप्यूटर में होगा, एक्सेल पे भी आप सॉल्यूशन को जो है वो टाइप करके आप वो भी मुझे ईमेल कर सकते हो. मेरा ईमेल एड्रेस भी आप नोट कर लें, और इसमें सब्जेक्ट में सारे A's हैं. ठीक है, कोई E नहीं है. और सब्जेक्ट में आपने लिखना है सॉल्यूशन फॉर पार्टनरशिप टेस्ट नंबर 1 amaraahmedaca@gmail.com. तो चाहे तो ईमेल करें, चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे इमेजेस भेजें. एंड आई नीड फुल पार्टिसिपेशन इन द टेस्ट. ठीक है, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपने टेस्ट देना है जरूर. इस दफा मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाऊंगी. अगर तो मुझे, मैं 1-2 टेस्टों में देखती हूँ, मुझे अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा या अच्छा रिस्पांस ना मिला, तो फिर मैं फॉर जनरल अपलोडिंग मैं फिर टेस्ट नहीं दूंगी. मैं फिर टेस्ट नहीं लिया करूंगी. राइट, मैं फिर क्यों इतनी मेहनत करूँ क्वेश्चन बनाने में, ढूंढने में, मार्किंग स्कीम बनाने में, सजेस्टेड आंसर बनाने में. तो फिर अगर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे टेस्ट देने में, मैं फिर उनको डायरेक्टली ईमेल कर दिया करूंगी टेस्ट पेपर. वो फिर सबके लिए नहीं होगा. इज दैट क्लियर? तो पर्सनल असेसमेंट अगर आपको करनी है, यू शुड. अभी SAR 1 में आ गए, अभी थोड़ा सीरियसनेस आ गई होगी होपफुली पढ़ाई के अंदर, तो आप इस चीज को अपनाएं ना. अभी पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, तो टेस्ट क्यों नहीं देते फिर? ठीक है, तो टेस्ट आप लोगों ने जरूर देना है. फेल होते हैं जो भी हो, एटलीस्ट पता तो लगेगा कि कितनी बात समझ में आई कितनी नहीं आई. मुझे भी समझ में आएगी, तो इसमें कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है. अगर फेल हो गए कोई बात नहीं, ठीक है, वी विल वर्क टूवर्ड्स दैट इंशाल्लाह. हम सारी आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे फिर. ठीक है, तो मुझे 100% नहीं तो चले 99% मुझे पार्टिसिपेशन जरूर चाहिए. किसी एक का डिफरेंट रीजन हो सकता है, तो 24 आवर्स के लिए वो वैलिड होगा. उसके बाद अनलेस कि कोई आंखों की बहुत ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी, वो मुझे अलग से फिर रिक्वेस्ट कर सकता है. फिर मैं उसके बाद उसको बाद में भी फिर मैं अकोमोडेट कर सकती हूँ. मैं ट्यूजडे को फिर इंशाल्लाह आप लोगों के टेस्ट को चेक करके फिर आई रिटर्न. ठीक है,
चाहिए जी। तो मैं इंशाल्लाह कल मिलते हैं, सॉरी मंडे को, कल तो आपकी छुट्टी है ठीक है, मंडे को 2 बजे इंशाल्लाह। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, जिनकी क्लास स्टार्ट होगी वो प्लीज जा सकते हैं जी। कोई क्वेश्चन है किसी का? चलें जी, जबरदस्त ठीक है, फिर इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। हैव अ नाइस संडे, अल्लाह हाफिज़।